मैं खबर सिंह लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि है उन्नाव से। यार क्या हुई ऐसी घटना, कैसे हुई पीड़िता के साथ ये घटना, आइए आपको पूरी खबर एक एक खबर विस्तार से बताते हैं। उससे पहले यार दिल से दरखास्त है कि इस दिल दहला देने वाली खबर को अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक यार हर जगह पे आपको वीडियो को ये फैला देना है, शेयर कर देना है ताकि उस उन्नाव पीड़िता को इंसाफ मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो यार। बात करते हैं बड़ी अपडेट के बारे में। ये जो घटना हुई है ये हुई है उन्नाव में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उन्नाव यूपी में आता है और यूपी की जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाने वाली है। अब बात करते हैं कि ये हुआ क्या था। तो जो ये पीड़िता है उसका नाम दिशा है। दिशा का एक BFO यानी कि बॉयफ्रेंड हुआ करता था। बॉयफ्रेंड ने दिशा से कहा था कि हम लोग शादी कर लेंगे, और शादी का झांसा देकर उस बॉयफ्रेंड ने इनके साथ बहुत ही गलत काम किया। इसके बाद दिशा ने कुछ दिन बीत जाने के बाद दिशा ने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की शादी के लिए, जिसके चलते उनका जो प्रेमी था उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। साथ ही साथ समय बीतता गया और धीरे धीरे एक बार फिर से दिशा ने दबाव बनाना शुरू किया शादी के लिए, जिसके चलते उनके प्रेमी ने एक बार फिर से उन्होंने फर्जी कागज बनवा लिए कोर्ट से शादी के लिए। वो जो फर्जी कागज के बारे में जब उनको पता चला यानी कि दिशा को पता चला तो एक बार फिर से उन्होंने शादी के लिए एक बार फिर से दबाव बनाने का प्रयास किया। इस बार यानी कि तीसरी बार जब उन्होंने दबाव बनाने का प्रयास किया तो उनके जो प्रेमी हैं वो कहते हैं चलो ठीक है, एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, कहते हैं चलो ठीक है तुम इस जगह पे आ जाओ मैं वहीं पे रहूँगा। अगले दिन दिशा जाती हैं और वहाँ दिशा जाके देखती हैं कि उनका प्रेमी अपने दोस्त के साथ था। साथ ही साथ जैसे ही दिशा वहाँ पहुँचती हैं तो उनके प्रेमी ने और उनके दोस्त ने एक बार फिर से उनके साथ गलत काम कर दिया, जिसके चलते इस बार उनकी जो दिशा है दिशा ने इस बार FIR दर्ज कर दी। पुलिस FIR दर्ज करने रही थी जिसके चलते उनको रायबरेली जाना पड़ा था, वहाँ से FIR दर्ज हुई, जिसके बाद से उनके दोस्त उनके प्रेमी जेल चले गए। कुछ दिन छूट जाने के बाद एक बार फिर से जो परसों घटना हुई है उस घटना को उनके दोस्त ने फिर से अंजाम दे दिया। नतीजा आपके सामने है, तो यह शेयर करना वीडियो को इंसाफ के लिए।